नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज नए वीडियो में मैं 5821 मॉडल प्रिंटर लेके आया हूँ, जिसमें इशू आ रही है कलर प्रिंटिंग की। कलर मतलब कि आप जो प्रिंट निकाल रहे हो वो कलर अच्छे नहीं आ रहे। वो क्यों आते दिक्कत, जैसे कि आपको पता लॉकडाउन चल रहा है काफ़ी जगहों में, तो अब क्या लोग प्रिंट निकाल रहे हैं, जैसे महीने दो महीने जिनका प्रिंटर पड़ा हुआ यूज़ नहीं कर रहे, तो उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज का मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, अगर आपका काम बनता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने पे। चलो बातें बाद में करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये प्रिंटर है, मैं आपको पहले क्वालिटी प्रिंट चेक कराता हूँ कैसी क्वालिटी आ रही है। अब मैंने एक बुक रखी हुई है, इसको मैं कलर प्रिंट कर रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें ये प्रिंट क्वालिटी आ रही है। क्वालिटी इसकी वजह से, ये देखो आप, इसमें आप फर्क देख सकते हैं। तो इसमें आप साफ देख सकते हैं कि इसमें येलो कलर नहीं आ रहा, तो ब्लैक एंड व्हाइट तो ओके लग रहा है और येलो कलर नहीं आ रहा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करें, पहले तो आप कॉमन जो चीज़ है वो चेक कर लो, क्या पता आपके इसमें ज़्यादा फॉल्ट ना हो। यहाँ पर इसके जो आपको ये चेक करना है कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये इसका आपको हमेशा जब भी आप यूज़ नहीं करो तो ऐसे होना चाहिए, यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे होना चाहिए। ये आपको ओपन होना चाहिए जब भी आप प्रिंट कर रहे हो। और दूसरा, प्रिंटर में आपको चेक करनी है इसमें इंक्स है कि नहीं। इंक्स आपकी ख़त्म है तब भी दिक्कत आती है, जो टेक्निकल लाइन पे हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिंटर को करते पहले ऑफ, केबल निकाल दी। इसके चार स्क्रूज होते हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ एक यहाँ। उसको निकालने के बाद मैंने निकाल रखे हैं, आपको ऐसे पीछे खींचना है फिर आगे से खींचना, उठाना मतलब उसको उठा लिया। अब आपको उसको निकाल देना, इसके दो केबल है, उसको आराम से निकालना है। मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी तो ये निकल गया दो केबल इसकी, ठीक है। निकालने के बाद आपको मैं अब आपको पूरा क्लियर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपको इसका कार्ड निकालना है, ठीक है। तो एक केबल ये थी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी निकलेगी। नीचे इसकी एनकाउंटर वाली स्ट्रिप निकालनी है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है। तो कार्ड निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब तो वैसे भी देख सकते हैं इसमें एयर आ रखी है, यहाँ येलो इंक नहीं आ रही, इससे ट्यूब्स में इंक नहीं आ रही। तो देख सकते हैं मतलब हेड में इसकी इंक आती है, तभी आप काफ़ी टाइम बाद प्रिंट यूज़ करोगे तब, या इंक आपने रिफिल करी है पूरी ख़त्म करने के बाद फिर आप प्रिंट कर रहे हो तब दिक्कत आती है। प्रिंट नहीं मतलब आप पूरी ख़त्म करोगे इंक को फिर आप रिफिल करोगे तो ट्यूब्स में एयर आ रही है। इसका मैंने कार्ड निकाल दिया। निकाल दे रहे हैं स्क्रू, एक यहाँ स्क्रू होता है वो निकला हुआ पहले से, तो यहाँ भी स्क्रू निकालना है आपको, एक यहाँ स्क्रू होता है। ठीक है, अब आपको इंक का लॉक होना चाहिए। मैंने आपको बताया जब ये वाला काम करो तो इंक आपका लॉक से पोजीशन में होना चाहिए। उसी इसका हेड को हम उठाएंगे, पूरा कैरेज निकलेगा इसका। ठीक है, उससे कैरेज निकल गया, साइड को कर दिया लेफ्ट साइड, आपको ये ऐसे पोजीशन में रख देना। अब एक ट्रिक है वो आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। उसके लिए आपके पास इरेजर होगा, मुझे इरेजर आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये आपको सिरिंज भी चाहिए होगी, इरेजर सिरिंज। अब आपको ये ऐसी दो रेजर चाहिए, ठीक है, एक चाहिए ब्लैक के लिए एक कलर,
मेरे इसमें ब्लैक में सही है, तो कलर में को ठीक करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कट करना है। कैसे? जैसे आप ये पैटर्न देख रहे हैं बॉक्स छोटा सा, ऐसे ही आपको बॉक्स यहाँ कट करना है। मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। बॉक्स बना दिया इसको, ठीक है। और मैं इसको अब यहाँ से मैं छेद करूँगा इस पर, जो जाके इंजेक्शन हमारा गुजर। ये दोस्तों मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे पास टूल है इसका प्रॉपर, पर सबके पास नहीं होगा जो प्रिंट पर काम कर रहे हैं, या फिर शॉप वाले उनके पास हो सकता है। अब आपको सेम डाल देनी है ऐसे, ठीक है, थोड़े पीछे करके। यहाँ से आपको प्रॉपरली क्लीन करना है, मैं इसको प्रॉपर क्लीन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देखा मैंने इसे कैसे इसकी एयर निकाली, मैंने लगा पूरा निकाल पूरा एयर हटा रही थी, तब मुझे थोड़ा टाइम लगा, 3 4 बार भरा तब जाके हुआ। और अगर आपको पता है जैसे 20 ml की सिरिंज है, मेरे पास वैसे 50 ml की सिरिंज से करता हूँ, पर मुझे अभी मिल नहीं रही इसलिए मैंने इससे करा। अगर आपकी पूरी पाइप खाली है, मतलब पूरी पाइप में एयर जा रखी है, तो आप मेरे मैंने तो 50 ml वाले ही पाइप सिरिंज यूज़ करें, उससे आपको एक ही बार में ये हेड इसमें इंक आ जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या मैं पैक करूँगा, किसका तो आपको एक लॉक बताया था, आपको लॉक भी उसको ढंग से लगाना है। ये आप देखते रहना यहाँ पर मैं कैसे लगा रहा हूँ। यहाँ पर एक लॉक होता है, मैंने लगाया से दबाया ये लॉक हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्रू लगाना है इसके। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये लगा दिया, मैं इसको ऊपर का कवर लगाता हूँ। दोस्तों आपने देखा मैंने कैसे इसको ठीक किया, अब मैं आपको इसका टेस्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ। उससे पहले आपको इसका ये ऑन कर देना है, मैंने आपको दिखाया था टैंक का ऑन करना है इसको, तो आप ऑन कर देना। मैं कॉपी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखना, मैं आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों आप देख सकते हैं क्वालिटी बिल्कुल सेम ऐसी है, मैंने आपको पुराना प्रिंट दिखाया था, तो पुराना प्रिंट वहाँ पर देख सकते हैं आप प्रिंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रिंट कैसी क्वालिटी आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। अब ये बिल्कुल ओके जैसे ये बुक है वैसे ही प्रिंट आया है। तो ये इसका सॉल्यूशन था दोस्तों, देखा मैंने ऐसे कैसे इजी इसको सॉल्व कर दिया। ये आप मेथड अपने प्रिंटर पे भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रिंटर में ओरिजिनल इंक डली हुई है जो एचपी में है, या तो कंपैटिबल इंक। अगर आप इंक यूज प्रिंटर यूज कर रहे हैं, अब आप एक चीज ध्यान रख लेना कि अगर आपको इसमें एयर आ रही है ट्यूब में एयर आती है तो आप कर लेना। अगर आप पे एयर नहीं है फिर भी प्रिंट नहीं आ रहे और आपने हाल फिलहाल में इंक रिफिल करी है, तो आप समझ लेना कि आपके वो इंक है वो खराब है। तो आपको इनकम्पैटिबल डाल देनी है और इसमें आप ये चीज करके देखिए। इसे पूरा आपने लाइव आपने दिखाया मैंने आपको कैसे इसको मैंने सॉल्व किया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। हाँ, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी टेक वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।